तो गाइस मस्जिद का भी अच्छा खासा काम हो गया है, पौधे शौधे लग गए, तो अभी मतलब सिस्टम बन गया है कॉलोनी का, घर धड़ाधड़ बन रहे हैं, एक और घर बन रहे हैं आगे, तो अब चलते हैं सीधा नानवे घर में मिलते हैं। सही है, घर तक पहुँच गए बहुत ही बदबू सहने के बाद, वो है नानी का घर, तो अभी चलते हैं अगली गली से। सही है रे, धूप के बड़े गंदे हालात हैं, आ तो गए हैं हम बड़े गंदे हालात हैं, लेकिन धूप के आगे हैं, चलते हैं। ये नानू का घर है, ये आंटी का घर है, और ये है हमारी नानू का घर जो उन्होंने पेंट करवाया, क्योंकि उन्होंने पेंट करवाया फिर उन्होंने कहा सामान भी नया वगैरह ले लेते हैं, तो चलते हैं। चल रे, खोल जाके दरवाज़ा फुट, चलते हैं दरवाज़ा। लोग हैं नहीं पागल, जान भी नहीं है यार तेरे में तो। भाई इनके घर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और गाड़ियाँ वगैरह इनकी भी ठहरी हैं। चलो चलते हैं अंदर, वगैरह खा लिया है तो हम भी बड़े खुश हैं, सारे बड़े खुश हैं, मिठाई सबने खा ली है। तो बुलाने गया हुआ हमारे कजन को, और बड़ी खुशखबरी है क्योंकि हमारी जो आंटी थी जिनकी पहले शादी हो गई है, 2 साल हो गया उनकी शादी को, तो उनका बच्चा पैदा हुआ है, तो बड़ी खुशी की बात है, तो इसीलिए मिठाई वगैरह भी आई हुई थी। और ये पेंट ऐसा करवाया है मेरे नाना लोगों ने, बिल्कुल हमारी तरह है पेंट, तो मैं पेंट दिखाता हूँ। जब कजन आते हैं या कजन ही आते हैं तो उसका पता चलेगा, तो बड़ा कमाल माहौल हुआ है। हम यहाँ आए तो हमें अचानक से सरप्राइज मिला, तो सारे बड़े खुश हैं, बड़ा मन गया हुआ है। अभी आयशी को बुलाने, तो वो अभी अभी आयशी हमारी कजने हैं जो छोटी, वो साथ ही रहती है, ये वाला घर उनका है, तो यहाँ से वो बुलाने गए, तो देखते हैं आती है। और गाड़ी हमारे नानू ने बाहर निकाल दी है, तो अभी पता नहीं कहीं जा रहे हैं, तो हम भी घर जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि रेस तो कजनों को बुलाने के, अब देखते हैं क्या करें। सामान वगैरह सारा आ गया है, कमरे में रख दिया, एक था ये फैन था, एक तो कम वो क्या कहते हैं कंडेंसर फैन है, और ये है मेरे ख्याल से वो है यार, क्या होता है वो, इसको छोड़ो, वॉशिंग मशीन है, पता नहीं ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कोई डब्बा सा है, ये आंटी से पूछना पड़ेगा। और ये है सिलाई वाली मशीन, यहाँ पे ये है हमारा एसी हायर का, और यहाँ पे नीचे ये टीवी पड़ा है संभाल के रखे है, नहीं टीवी ये पड़ा है संभाल के रखे है, और पीछे बड़ा सारा डब्बा है, बहुत सारे डब्बे हैं यार किस चीज़ के। और ये में हाँ ये वॉशिंग मशीन का डब्बा है, ये है कपड़ों वाली वो, और ये है फ्रिज, क्योंकि नीचे तक हमें पहले देख ही नहीं रहा था, ये नीचे तक फ्रिज के है, ये आगे से है हमारी टीवी, और ये आगे से पता नहीं किस चीज़ का डब्बा है, और ये पूछते हैं हाँ डीसी इन्वर्टर, ये एसी का डब्बा है, इन्वर्टर इसमें है। क्या 2-3 बजे होंगे, स्कूल गई हुई है, अच्छा चलो सही है, और माउस भी पड़े हैं वहाँ पे, तो पुराने पापा के पर हमें जरूरत पड़ सकती है। तो गए जब ये सारा सामान आ गया बिल्कुल सेफ, और ऊपर हमारा बड़ा गीजर, और ये अच्छा ऐसा मिला है उनको ये जो जिस पे फ्रिज ठहराते हैं, सही है बिल्कुल। तो ये अभी नानों के कमरे में ठहरे हैं, बिल्कुल सही सलामत। तो गए जी अभी नमूने पता नहीं कुछ खेलने की ट्राई कर रहे हैं और खेल नहीं पा रहे, असुपंजू फिर उन्हें थप्पड़ भी लगते हैं, खा लोगे थप्पड़, हाँ जी ओके, मुंह पे लगेंगे थप्पड़ है, रिकॉर्डिंग करने वाले चुप चुप के रिकॉर्डिंग वाला, अच्छा हाँ बहुत मजा आएगा, हैं हैं हाँ यार बहुत मजा आएगा, छोटी की कॉल यस ओके। मेरी नानी लोगों ने क्या करवाया है, पूरा एक खज्जी जो होती है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, भाई जंगल है पूरा जंगल, ये मधुमक्खी का उतरवा दिया इन्होंने, है तो गए यहाँ बड़ा सा मधुमक्खी का बहुत छत्ता था, उसमें बड़ा शहद था, वो दिखाता रहे उतरवा लिया, और वो आम है आगे, आम भी है, ये पता नहीं क्या क्या है, माल्टा है, ये शतूत है, ये जंगली बॉय है, और ये खज्जी की कमी थी वो भी हो चुकी है, अनार भी है, अमरूद भी है, क्या नहीं है यहाँ पे, ये लीमो भी है, हर चीज़ है, और ये कैमरा क्यों लैग कर रहा है पता नहीं। पहली बारी में क्यों नहीं करते, पहली बारी में क्यों नहीं करते, नहीं नहीं पहली बारी में तुमने बताया था नहीं करते, गया जो गया नहीं यार, पहली बारी में होता है क्या, पहली बारी में नहीं होता, पहले कह रहे लड़ाओ मत, पागलो पागल लड़ा माता, ओए पागल हो गए लड़ाओ मत, हो गए आंसू बन जो गए, जीतते हो गए सारे के सारे, ओए हटो हट जाओ, रो रहे हो हटो।
जंगली की तरह तीनों भिड़ने के बाद ये तो ऐसे ही ड्रामे कह रही है, रो नहीं रही है, चुपचाप बैठी है, ऐसे भी चुप हो गई है, वो भी बाबा ड्रामे कह रहे हैं। तो हम बस अब जा रहे हैं घर। तो अरे राजा चल घर चले, घर चले, आ जा। मम्मा सीधा नानों के घर आ गए थे ड्यूटी से, हमने बताया था उनको, तो सब्जी वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो गाइस अभी सब्जी वगैरह ले रहे हैं फिर चलते हैं घर कॉलोनी के गेट पे। चलिए और अब जा रहे थे घर, कॉलोनी में तो आ गए हैं, अब चलते हैं घर। चल रहे हैं प्लाटों के काम, नए नए घर बन रहे हैं, कॉलोनी आबादी हो रही है, हर दूसरी जगह पे नया नया घर बन रहा है, हर दूसरी जगह पे तो इतने सारे घर बन गए। ये देखो वो हमारे ठहरे ब्लॉगर साहब, ब्लॉगर मस्जिद वगैरह भी सही। तो गाइस तीसरी बार नहा के फिर से नए कपड़े पहन लिए क्योंकि सुबह से बहुत में नज़ला हो रहा था, अब तो फुल पीक पे आ गया नज़ला। पहले इतना नहीं था, फील नहीं और था। मम्मा ने कहा जितनी बार नहाओगे सही हो जाएगा, तो फिर मैं दो बार नहाया सही नहीं हुआ, अभी तीसरी बार नहाया और दवाई शवाई खा ली है तो फिर से नहा के नए कपड़े पहने हैं अभी। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था, अभी हिम्मत बिल्कुल नहीं है व्लॉग बनाने की, अच्छा व्लॉग नहीं बन रहा क्योंकि बहुत सारे क्लिप मैंने बनाए फजूल बन रहे हैं बहुत ही, मोबाइल मतलब सही वो मोबाइल का भी कसूर है, थोड़ा फोकस नहीं कर रहा, ये वो और मसले हैं यार, बहुत सर में भी दर्द हो रहा है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था, आपसे मैं मिलूंगा किसी और नए व्लॉग में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं अगर आप चाहते हैं मैं डेली व्लॉग बनाऊं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिख दो डेली व्लॉग बनाओ अभिराज, तो फिर मैं बना दूंगा और कमेंट को पिन भी कर दूंगा। कमेंट किया करें गाइस प्लीज़, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय।